हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू बक बक टेल्स। और मैं हूँ पारुल। फेस्टिवल सीजन आ रहा है और घर पे बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनने वाला है। उन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है इमली की चटनी। तो चलो आज उसकी रेसिपी देखते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए, ये इमली का पैकेट है 200 ग्राम्स का, और ये सेम क्वांटिटी 200 ग्राम्स मैंने शुगर ले ली है, और थोड़े से रोस्टेड बीज। ये इमली को मैंने एक घंटा पहले गर्म पानी के अंदर भिगो दिया था, और अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसका जो भी प्लम्प है इमली का वो पानी के अंदर आ जाए। ये इमली अच्छे से मैंने मैश कर ली है, अब इसको छान लेते हैं। ऐसे आप करछी की हेल्प से इसको छान सकते हैं, और फिर दोबारा पानी डाल के भी थोड़ा सा एक दो बार छान सकते हैं। ये इतना छान लिया मैंने और ये पल्प बच गया उसमें से। अब इसके अंदर दोबारा से पानी डालेंगे और इसको अब एक बार फिर से मैं अच्छे से हाथ से मैश कर लूंगी और फिर छान लेंगे। आप इसको जितना ज्यादा छानोगे उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी चटनी बनेगी। ये मैंने दोबारा से भी छान लिया, अब इसको बॉयल होने रख देते हैं। इसके अंदर बॉयल आ गया है, अब इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। अब इसको ऐसे ही कम से कम एक घंटे के लिए उबलने देंगे, गाढ़े होने तक। ये चटनी अब तैयार हो गई है, ये देखो, ये एक तार की चाशनी बन चुकी है, बबल्स भी उठ रहे हैं। तो अब इसको हम बंद कर देंगे और जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करेंगे। चटनी मेरी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और ये रोस्टेड सीड्स। और अब हमारी चटनी है तैयार। अब आप इसको ग्लास की बॉटल या जार के अंदर स्टोर कर सकते हो फ्रिज के अंदर, और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। ये मेरी चटनी बनके तैयार हो गई है और ये देखो पूरा एक बाउल भर गया है। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये आगे बहुत ही काम आने वाली है। तो आप भी बनाओ और खाओ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।